देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, IIT में पूछा गया है 2020 में, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन का लैंग्वेज समझते हैं सभी लोग। बोला जा रहा है एक फंक्शन दिया है, ये एफ एक्स दिया है ना, ये क्या दिया है, एक एफ एक्स इक्वल टू ये फंक्शन दिया है, ठीक है। ये जो फंक्शन है ये इसमें डिफाइंड है, किसमें डिफाइन है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक ही डिफाइन है, उसके आगे डिफाइन नहीं दिया उसने, ठीक है। तो बोला जा रहा है इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा। पहला ऑप्शन में क्या बोलना चाह रहा है वो, एफ डैश जीरो इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू। तो इस ऑप्शन का मतलब ये होता है कि जीरो पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा और उसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, माइनस पाई बाई टू आएगी। दूसरे ऑप्शन में उसकी गलत बात बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि जीरो पर डिफरेंशिएबल हो गई नहीं, ठीक है। तीसरे ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि इसका जो डिफरेंशिएशन होगा एफ डैश एक्स डिफरेंशिएशन वो इस इंटरवल में इंक्रीजिंग और इसमें डिक्रीजिंग है, और यहां बोल रहा है इसका जो डिफरेंशिएशन है वो इस इंटरवल में डिक्रीजिंग और इसमें इंक्रीजिंग है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हम आपको बता चुके हैं, चाहे डिफरेंशिएबिलिटी हो, चाहे क्वांटिटी हो, चाहे हमें उसका ये नेचर पता करना हो कि कहां पे इंक्रीजिंग कहां पे डिक्रीजिंग, सबसे पहले हमें पता क्या होना चाहिए, वो फंक्शन का सही फॉर्म पता होना चाहिए, जो कि हमारा फंक्शन अभी दिया गया है एक्स कॉस इनवर्स साइन माइनस मॉड एक्स, ये अभी सही नहीं है, पता है ना आपको, नेचर बदलेगा, कंफर्म बदलेगा, क्योंकि क्या दिया गया यहाँ पे मॉड, ठीक है। आईटी क्वेश्चंस ऐसे ही पूछता है, ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, देखो कैसे करेंगे, ठीक है। पहले थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूँ इसको, चलो दिख रहा होगा आप लोगों को क्वेश्चन। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इस फंक्शन को थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सिंपल बनाने की कोशिश करते हैं। तो फंक्शन क्या दिया गया है, एक्स, आगे क्या दिया गया, कॉस इनवर्स, आगे दिया गया साइन, और लिखा है माइनस का मॉड, सॉरी माइनस का क्या है, मॉड एक्स है, और यहाँ पे क्या दिया है बार, इतना है, ठीक है। और ये चीज ध्यान रखना कि माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में ही डिफाइन हमें करना है इसको। एक चीज बहुत आसानी से आपको समझ में आ रही होगी कि साइन के अंदर अगर नेगेटिव है तो वो बाहर आ जाता है, ये तो पता है। तो हम इसको एक स्टेप लिख सकते हैं आगे, माइनस साइन मॉड एक्स, यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं। अब आपको एक और स्टेप पता होगा कि कॉस इनवर्स के अंदर अगर नेगेटिव है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स आता है, ये मैंने आईटीएफ में पढ़ा रखा है, राइट। क्या हो जाएगा, एक्स इसको लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स साइन मॉड एक्स, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब आपको एक और स्टेप पता होगा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई टू होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर कॉस इनवर्स को अगर मैं साइन इनवर्स में बदल दूं तो साइन से साइन हट जाएगा अपने आप में, तो इसको भी मैं बदल देता हूं तो क्या हो जाएगा। अब आप जानते हो कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, तो कॉस इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो पाई माइनस यहां क्या लिखोगे बेटा, पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स और साइन मॉड एक्स, यहां तक शायद क्लियर हो गया होगा, बोलो। एक्स अंदर अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पाई माइनस से पाई बाई टू गया, कितना बचा, पाई बाई टू बचेगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो से बचेगा मॉड एक्स। आई होप ये फंक्शन अब हमें थोड़ा अच्छा दिख रहा होगा, दिख रहा है उससे, ये फंक्शन हमें अच्छा दिख रहा है। अब इस फंक्शन को बहुत इजिली हम इस पर कम काम कर सकते हैं, वर्किंग कर सकते हैं। अच्छा, इस फंक्शन में नेचर चेंज करने वाला जो हमारा टर्निंग पॉइंट है, जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, वो कौन सा है, जीरो, सिर्फ मॉड एक्स, राइट, सिर्फ मॉड एक्स अपना डुअल नेचर रखेगा, ठीक है। तो कौन किस पॉइंट पे रखेगा, जीरो पे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, थोड़ा और इधर कर लेते हैं हम, अब समझते हैं इस मॉड एक्स को कैसे ब्रेक करें। तो कंफर्म हमारा फंक्शन डुअल नेचर रखने वाला, एक तो किस पर, कि जब एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी होगी और जब एक्स की वैल्यू जीरो है, जीरो से, अच्छा जीरो से छोटी होगी तो ये अगर मैं डिफाइन ऐसा कर दूंगा तो गलत हो जाएगा एक्चुअली। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें बोला गया है फंक्शन जो डिफाइन है वो सिर्फ माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक ही है, तो इसको ना मुझे ऐसा लिखना होगा कि जीरो से छोटा बट माइनस पाई बाई टू से बड़ा, और यहां पे क्या लिखना होगा, माइनस पाई बाई टू आएगा, सॉरी, है ना, यहां पे लिखना होगा कि जीरो या जीरो से बड़ा बट कहां से छोटा, क्योंकि भाई हमें अपनी वो बात भी याद रखनी जो फंक्शन में उसने पहले ही बोल दिया था। ऐसा थोड़ी कि आप पूरे पे डिफाइन कर दोगे फिर फंक्शन, फंक्शन का जो डिफाइनिंग पॉइंट है, जो उसका कह सकते हो कि जो डोमेन है, वो थोड़ी बदल सकते हम लोग, है ना। तो बट नेचर तो वही काम करेगा, एक्स अगर जीरो से छोटा मतलब नेगेटिव होगा तो ये माइनस एक्स की तरह ट्रीट करेगा, मॉड बता चुका हूं मैं आप लोगों को, तो क्या हो जाएगा बेटा, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं, समझ में आ गया होगा, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बस आपको थोड़ा ध्यान देना होता है इस टाइप के अच्छे क्वेश्चन में। एक्स इधर क्या बचेगा, सिर्फ बोलो बेटा, पाई बाई टू माइनस एक्स हो जाएगा ये,
और ये हो जाएगा x, और यहां क्या हो जाएगा बेटा पाई बाई टू। क्या बात है, बहुत बढ़िया, ये हो गया एफ एक्स हमारा। अब हमें जो ऑप्शंस दिए गए थे अब उनको थोड़ा ध्यान से देख लेते। फंक्शन मिल गया हमारे पास, ठीक है। अब ऑप्शंस क्या थे, पहले ऑप्शन में मुझे ये देखना है कि इसका जो डिफरेंशिएशन है वो जीरो पे डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, और होगा तो क्या माइनस पाई बाई टू आएगा। पहले दो ऑप्शन में तो यही काम है, तो बहुत आसानी से मैं आपको डिफरेंसिबिलिटी में बता के आया हूं, शायद आप लोगों को याद आ रहा होगा। याद आ रहा बच्चों डिफरेंसिबिलिटी में मैं कैसे कंसेप्ट बताया आपको, इसको सिर्फ डिफरेंशिएशन कर दो। क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो, काम हो जाएगा हमारा। डिफरेंशिएशन करो बेटा, ऊपर वाले का क्या आएगा थोड़ा बताओगे मुझे। देखो यहां पे हो जाएगा पाई बाई टू एक्स, तो इसका एक्स का वन हो जाएगा यानी कि पाई बाई टू, और माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस, और ये किस पर बेटा जीरो से, और यहाँ पे माइनस पाई बाई टू से बड़े पे, राइट। और ये वाला बेटा कहाँ पे सिचुएशन बनेगा, जल्दी से बोलो, फटाक से बोलो, फटाक से, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑफलाइन सब लोग बताओ, ये वाला क्या सिचुएशन बनेगा, पाई बाई टू रहेगा बट यहाँ पे प्लस का टू एक्स हो जाएगा, या सुनो। अब अगर मैं डिफरेंशिएशन देखूं जीरो पर रखूं तो वैल्यू दोनों पे क्या मिल रही है, पाई बाई टू, पाई बाई टू, मतलब कंफर्म हो गया जीरो पे क्या हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया। यहां से मैं एक चीज बोल सकता हूं कि जीरो पे डिफरेंशिएबल हो गया, और बट होने के बाद वैल्यू क्या आ रही है, पाई बाई टू, मतलब मैं बोलूंगा हेंस एफ एक्स, क्या बोलेंगे हम लोग, या एफ डैश जीरो एग्जिस्ट। एफ डैश जीरो एग्जिस्ट करने का मतलब क्या बोल दिया मैंने, कि इसका डिफरेंशिएशन जीरो पे एग्जिस्ट हो गया, और किसके बराबर आ गया बेटा, एफ डैश जीरो किसके बराबर आ गया, पाई बाई टू, बट ऑप्शन ए में क्या दिया था, तो कंफर्म हो गया कि हमारे पास से ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों गलत। बोलो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों गलत क्यों, ऑप्शन ए बोला जीरो पे क्या है ये डिफरेंशिएबल है, और माइनस पाई बाई टू आएगा जो कि बिल्कुल गलत हो गया, इसको हम ऐसे गलत कर देंगे। और बी ऑप्शन भी गलत क्यों, क्योंकि एफ एक्स एफ डैश एक्स डिफाइन ही नहीं है बोल रहा था, बट डिफाइन तो हो रहा है हमारा, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। आ जाते हैं अब आगे, तो कंफर्म है। अब मुझे एफ डैश एक्स का नेचर देखना है, किसका, एफ डैश एक्स का, मतलब किसी फंक्शन का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन करके चेक करते हैं। अब मुझे एफ डैश एक्स को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना है, दैट मींस मुझे एफ डैश एक्स का डिफरेंशिएशन करना होगा, मतलब मुझे जो वर्किंग करनी होगी वो किस पे करनी होगी, एफ डबल डैश एक्स पे। यस सुनो, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, बोलो एफ डबल डैश एक्स पे क्या हो जाएगा, दोबारा डिफरेंशिएशन कर दो इसका, चलो जी, इसका हमारा क्या हो जाएगा जीरो माइनस टू, और यहाँ पे टू, और ये क्या आ रहा है बेटा माइनस पाई बाई टू से लेके कहां तक जीरो पे, और ये कहां से आ रहा है जीरो से लेके बोलो पाई बाई टू तक। तो लॉजिकली हमें समझ में आ गया कि जो हमारा एफ डैश एक्स का डिफरेंशिएशन है, ये एफ डैश एक्स का क्या है डिफरेंशिएशन, ये बेटा माइनस पाई बाई टू से जीरो के बीच में नेगेटिव है, मतलब डिक्रीजिंग है। सो क्या हो जाएगा आंसर, डिक्रीजिंग किसमें, माइनस पाई बाई टू से जीरो में, और इंक्रीजिंग किसमें, जीरो से पाई बाई टू में, क्योंकि जीरो से पाई बाई टू में कैसा है पॉजिटिव। सो इसके थ्रू कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया। सो बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअली है, बिल्कुल टफ नहीं है, बट देख के तोते उड़ा देने वाला क्वेश्चन है, देख के तो तोते उड़ जाएंगे, ठीक है, समझ लो बच्चों। बट अगर आप कंसेप्चुअली हैं स्ट्रांग और आप बनाते चले जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, तो ये क्वेश्चन इट विल टेक, मुझे लगता है लेस देन वन मिनट, इससे ज्यादा लगेगा नहीं समय, इसमें एक मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को अगर आप बनाओगे तो, क्योंकि जब आप बनाओगे क्वेश्चन को तो हमें क्या करना होगा, बहुत सारे स्टेप्स स्किप करने होंगे, बहुत सारे स्टेप्स, ठीक है। तो आप इसको बहुत आसानी से बना सकते हो इस तरीके की, कभी कोई प्रॉब्लम आए तो इनसे डरना नहीं है।